बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है दाल चिकन। आप कोई सी भी दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने इसमें चने की दाल ली है। ये देखिए, ये 1 कप चने की दाल है जिसको बॉईल कर लिया है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल के, 1/2 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है, 1 अनियन है जिसको चॉप कर लिया है, 4 ग्रीन चिल्लीज हैं, 1 टमाटो है चॉप, 1 टीस्पून लेमन जूस है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इसके अलावा 1/2 कप चिकन स्टॉक चाहिए होगा। इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे उसमें 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स हैं, 4 कश्मीरी मिर्च है हमारे पास, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ये यानी कि इसमें टोटल 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा, जिसमें से आधा अब यूज़ करेंगे, आधा दाल बॉयल करते हुए यूज़ कर रही है। इसके अलावा 1 टीस्पून फ्रेश कोरिएंडर चॉप, ये गार्निशिंग के लिए है, और 1 पिंच ऑल स्पाइसेस पाउडर, ये हम लास्ट में डालेंगे। 1/2 कप ऑयल चाहिए होगा। अब हम इसके कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक पैन हमने स्लो टू मीडियम हीट पर रखा है, उसमें हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे। ये चॉप्ड अनियन डाल के इसको हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये लाइट गोल्डन हो गया। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप्ड टमाटो, इनको हल्का सा सौते करेंगे। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को थोड़ा सा भून लेंगे। अब दाल शामिल कर दें। उसके साथ ही तमाम स्पाइसेस और ग्रीन चिल्लीज भी शामिल कर दें और इसको भूनें। आधी प्याली चिकन स्टॉक शामिल करें इसमें। अब इसको स्लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए कवर करके रख दें। ये देखें, 10 मिनट हो गए। लेमन जूस शामिल कर दें इसमें। आप इसमें मूंग मसूर की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माश की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। ये देखें, दाल चिकन हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, दाल चिकन को हमने डिश आउट कर लिया है, ये रेडी टू सर्व है।